खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन ब्यूटी के नाम पर हर कोई अपने जहन में एक ऐसी ड्रीम गर्ल को इमेजिन करता है जिसके पास दिल नशी आंखें, लंबे बाल और परफेक्ट फेस कट हो। अब यूं तो हमारी इंडियन मूवी इंडस्ट्रीज में भी खूबसूरत हसीनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग कोरियन ड्रामास के दीवाने हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि इन कोरियन एक्ट्रेसेस की खूबसूरती के सामने तो मानो चांद भी फीका नजर आता है। दरअसल इनकी बेदाग ब्यूटी और क्यूट एक्सप्रेशंस का जादू अच्छे अच्छों को मदहोश कर देने की ताकत रखता है। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं कोरिया की 10 बला की हसीन एक्ट्रेसेस से, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे कि कहीं ये जन्नत की हूर तो नहीं। नंबर 10, बे सूजी। कोरिया की खूबसूरत हसीनाओं की लिस्ट में 10वें नंबर पर शुमार बे सूजी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने खुद के दम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम कमाया है। सेल्फ मेड बे सूजी एक के पॉप स्टार है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑनलाइन मॉडलिंग से की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें म्यूजिक और एक्टिंग में भी अपना जलवा बिखेरने का मौका मिला। ड्रीम हाई टेलीविजन सीरीज से डेब्यू करने के बाद बे सूजी का क्रेज लोगों के बीच बढ़ता ही गया। इनकी ग्लोइंग स्किन और आकर्षक फिगर ने लोगों का दिल जीत लिया। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ इन्होंने बैक टू बैक ऐसी सक्सेसफुल सीरीज में काम किया कि फैंस ने इन्हें नेशंस फर्स्ट लव कहकर भी सराहा। कमाल की बात है कि साउथ कोरिया में बे सूजी पहली फीमेल सेलिब्रिटी है जिन्हें ड्रामा, म्यूजिक और फिल्म तीनों फील्ड में बेस्ट रूकी अवार्ड से नवाजा गया है। यानी कि इस हसीना ने केवल ब्यूटी ही नहीं बल्कि टैलेंट से भी लोगों के होश उड़ाए हैं। नंबर 9, किम सो यन। कोरियन ड्रामा में कई सालों से अपना चार्म बिखेरने वाली किम सो यन का कोई मुकाबला नहीं है। गुड़िया सी नजाकत और प्रिटी फेस के साथ ये हीरोइन तब से कोरियन ड्रामास में काम कर रही है जब ये महज 7 साल की थी। 22 साल की किम हो यन ने भले ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन मून एम्ब्रेसिंग द सन ड्रामा के बाद ही पब्लिक का ध्यान उनके खूबसूरत चेहरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। 2015 में उन्हें हुआ यू स्कूल में पहला लीडिंग रोल किया, जिसके बाद वो लगातार हिट के ड्रामास करती चली गई। आज 22 साल की उम्र में भी उन्होंने साउथ कोरियन ड्रामास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मीडिया और उनके फैंस किम हो यन को नेशंस लिटिल सिस्टर, क्वीन ऑफ चाइल्ड एक्ट्रेसेस और गॉडेस ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा जैसे कई टाइटल से बुलाते हैं। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ही ये हुस्न की मलिका 27 अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है और कई दिलों पर राज करती है। नंबर 8, ली जी यून। अब हुस्न का जिक्र हुआ है तो कोरिया की ली जी यून का नाम कैसे पीछे रह सकता है। सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस होने के साथ साथ ली जी यून वो चमकता सितारा है जिनकी खूबसूरती यंगस्टर्स को दीवाना कर देती है। इस एक्ट्रेस को लोग आयु के नाम से भी जानते हैं। कमाल की बात है कि हसीना ने केवल 15 साल की उम्र में म्यूजिक से अपना करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनका प्रीटी फेस लोगों के बीच इस तरह पॉपुलर हुआ कि जल्दी ही एक्टिंग में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। म्यूजिक में कई अवार्ड अपने नाम करने के बाद एक्ट्रेस के तौर पर भी उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए। ली जी यून ने लॉस्ट चाइल्ड से कोरियन ड्रामा में कदम रखा और उसके बाद ग्रोइंग अप सीरीज में चार्म दिखाकर ऑडियंस का दिल जीत लिया। आज कोरिया में ली जी यून को उनके मल्टी टैलेंट की वजह से जाना जाता है। नंबर 7, जून जी यून। माई सैसी गर्ल और माई लव फ्रॉम द स्टार जैसे पॉपुलर टेलीविजन कोरियन ड्रामा में लीड रोल निभाकर जून जी यून ने फैंस के बीच अच्छी खासी पॉपुलैरिटी कमाई है। इनका परफेक्ट फेस फीचर और ड्रेसिंग स्टाइल लोगों पर एक अलग जादू छोड़ देता है। आज 39 ईयर्स की उम्र में भी ये बला की खूबसूरत मलिका मिड 20 की लगती है। कुछ लोग इन्हें इनके इंग्लिश नेम जियाना जून के नाम से भी जानते हैं। कोरियन ड्रामा में अपनी अदा और अंदाज के चलते जून जी यून कई अवार्ड्स जीत चुकी है। रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन बेस्ड मूवीज तक ये हर किरदार निभा चुकी है। वैसे बता दे कि अपने चांद से खूबसूरत चेहरे के साथ ये पहली बार 1999 की फिल्म व्हाइट वैलेंटाइन में नजर आई थी, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी माई सैसी गर्ल कोरियन फिल्म से मिली। 2001 में आई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने साउथ कोरिया में काफी पॉपुलैरिटी कमाई थी, जिसके चलते जून जी यून के खूबसूरती के भी कई दीवाने कायल हो गए। नंबर 6, किम गो यान। किम गो यान के मासूम और दिल जीत लेने वाले चेहरे को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन मोहतरमा को भगवान ने काफी फुर्सत से तराशा है। एक क्यूट सी स्माइल के साथ ये जब भी स्क्रीन पर नजर आती है तो कई फैंस का दिल जोरों से धड़कने लगता है।
साउथ कोरियन इंडस्ट्री में किम गो यन का सफर 2012 में आई अ म्यूज फिल्म से हुआ था। इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में अदाओं का वो जादू दिखाया कि लोग इनके कायल हो गए। इसके बाद ये कई टेलीविजन सीरीज करती नजर आई जहां लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। खास तौर पर द किंग इटर्नल मोनार्क में इनके काम को काफी सराहा गया। ये इनके अट्रैक्टिव फीचर्स का ही नतीजा है कि 2019 में इन्हें साउथ कोरिया के चैनल एम्बेसडर के तौर पर भी चुना गया। इसके अलावा 2020 में इन्हें चैनल्स J12 Turns 20 के कैंपेन का भी हिस्सा बनाया गया। नंबर 5, किम यू यांग। केवल 5 साल की उम्र से कोरियन मूवीज इंडस्ट्री में कदम रखने वाली किम यू यांग ये नहीं जानती थी कि एक दिन वो स्टार नहीं बल्कि ब्रांड बन जाएगी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किम यू यांग को दर्शक से क्यूट बच्ची के तौर पर पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जब यही बच्ची बड़ी हो गई तो कई लोगों के दिलों पर राज करने लगी। कमाल की बात है कि 5th स्टैंडर्ड में आने तक किम 15 मूवीज और 13 टीवी ड्रामास में काम कर चुकी थी। दिलचस्प बात है कि केवल 17 साल की उम्र में यह हसीना एक ऐसा जादू बिखेर चुकी थी कि इनका नाम फोर्ब्स की टॉप 10 कोरिया पावर सेलिब्रिटी में शामिल था। फिर 2012 में आए फैंटेसी ड्रामा मून एम्ब्रेसिंग द सन ने वो बवाल मचाया कि किम का नाम लोगों की जबान पर नशे की तरह छा गया। आज भी उनकी खूबसूरती का जलवा बरकरार है और ये एक से एक बेहतर कोरियन फिल्म्स में काम कर रही है। नंबर 4, इम जिना। जिना कोरिया की वो ब्यूटी आइकन है जिन्हें कई लोग उनके स्टेज नेम नाना से भी जानते हैं। मॉडल और सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली जिना पहले एक पॉपुलर के पॉप ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी। फिर खूबसूरती और शानदार गायकी के दम पर ये इतनी पॉपुलर हुई कि जल्दी ही इन्होंने एक्टिंग में भी अपना लक आजमाया। 2015 में इन्होंने लव वीव्स थ्रू अ मिलेनियम ड्रामा से टेलीविजन जगत में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 30 साल की नाना ने कोरिया में अपने टैलेंट और दमदार पर्सनालिटी के दम पर वो मुकाम हासिल किया है कि उनकी अदाओं पर कई लोग दिल हार जाते हैं। ये उनकी फ्लॉलेस स्किन और ड्रेसिंग सेंस का ही नतीजा है कि लोग उन्हें काफी स्टाइलिश डीवा के तौर पर देखते हैं। नंबर 3, सोन ये जिन। एलिगेंस, अट्रैक्टिवनेस एंड स्वीटनेस के पैमाने पर सोन ये जिन बाजी मार लेती है। इन्हें साउथ कोरियन इंडस्ट्री की सबसे अट्रैक्टिव एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि रोमांटिक टेलीविजन ड्रामा में इनके किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे बता दे कि सोन ये जिन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में द क्लासिक एंड समर सेंट स्टोरी से की थी, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा सक्सेस अ मोमेंट टू रिमेम्बर फिल्म से मिली। इनके बाद सोन ये जिन ने बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्म्स और ड्रामा देकर लोगों के दिलों में जगह बना ली। पर्सनल टेस्ट जैसी और भी कई सक्सेसफुल सीरीज में इनके रोल को काफी सराहा गया। शानदार एक्टिंग के चलते ही 2019 से 2021 के बीच इन्हें 3 साल के लिए फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी के लिस्ट में भी जगह मिली है। नंबर 2, हान योजो। ब्यूटी और टैलेंट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो तो कोरियन इंडस्ट्री में हान योजो को याद किया जाता है। हान योजो की सेक्सी और नजाकत भरी अदाओं को देखकर लगता है कि मानो किसी ने गुड़िया में जान डाल दी हो। साउथ कोरिया इंडस्ट्री में हान योजो ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत डेब्यू ड्रामा स्प्रिंग वॉल्ट से की और पहली ही फिल्म में वो आग लगा दी कि लोग इनके दीवाने हो गए। पहले ही ड्रामा में धुआंधार एक्टिंग के चलते उन्हें एक से एक शानदार फिल्म्स ऑफर हुई और ऐसे में वो पॉपुलैरिटी गेन करती चली गई। एलजी में शाइनिंग इनहेरिटेंस और डोंग यी जैसे के ड्रामा में उनकी एक्टिंग ने सीरीज को 4 चांद लगा दिए। आज भी कोरिया में हान यो जो की गिनती सबसे खूबसूरत और सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है। नंबर 1, पार्क शिन ये। पहले नंबर पर अपनी दावेदारी रखती है वो कोरियन एक्ट्रेस जिनकी केवल सूरत ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत खूबसूरत है। टैलेंटेड एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर होने के साथ पार्क शिन ये वो ब्यूटी है जिनमें टैलेंट भी कूट कूट कर भरा है। कोरियन ड्रामा देखने वाले लोगों के बीच पार्क शिन ये काफी पॉपुलर है। इन्हें साउथ कोरियन इंडस्ट्री की सबसे नामी गिरामी हस्तियों में गिना जाता है। इन्होंने स्टेवे टू हेवन से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन द हेयर्स, योर ब्यूटीफुल और पिनोकियो जैसे कोरियन ड्रामा करने के बाद इन्हें ऐसी लोकप्रियता मिली कि फैंस इन्हें नंबर 1 एक्ट्रेस के रूप में देखने लगे। अपनी शानदार अचीवमेंट्स के चलते ही 2015 में पार्क शिन ये को फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी की लिस्ट में 33rd रैंक में रखा गया, लेकिन 2017 में उन्हें 12th पोजीशन पर जगह मिली और 2021 में भी उन्होंने 40th पोजीशन पर भी अपनी जगह बनाई।
साउथ कोरिया में पार्क शिनये का एक अलग ही जादू है। जहाँ इनका नाम होता है वहाँ प्यार बरसाने वालों की लंबी कतार लग जाती है। तो ये थी साउथ कोरिया की वो अदाकारा जिनकी खूबसूरती के पीछे लोग दीवाने हैं। के ड्रामा लवर्स के बीच इन एक्ट्रेसेस का एक अलग ही क्रेज है। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इनकी फ्लॉलेस स्किन और सिल्की हेयर को पाने की चाह रखती है। तो दोस्तों, आपको कौन सी साउथ कोरियन एक्ट्रेस चांद का टुकड़ा लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।